हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका भाई संदीप, और आप देख रहे हैं फैंटेसी दूरदर्शन। तो दोस्तों, आज का मैच जो हम कवर करने वाले हैं वो कतर टी टेन लीग का फाइनल मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा स्विफ्ट वर्सेस फाकॉन की टीम में। तो दोनों ही टीमों लंबे अरसे के बाद फाइनल में आपको खेलती नजर आएंगी। दोनों ही टीमें हैं जो आपको बता दूँ कि पाँच पाँच मैच खेल चुके हैं, जिसमें फोर मैचेस जीत कर उन्होंने जो है जहाँ पर पहुँचने में सफल रही हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने मुझे टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप ये टेलीग्राम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस इसके जो बेनिफिट आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेंगे। आप सबसे पहले मेरी वीडियो वहाँ पे देखने में सफल रहोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी सबसे पहले वहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेइंग 11 के बारे में, इसके अलावा इंजरी न्यूज़ के बारे में, और मैं आपको की प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा। आपका भाई विदर कौड़ा आपको की प्लेयर्स के बारे में जानकारी देगा, और कौन कौन से प्लेयर ओपनिंग करेंगे दोनों ही टीमों के लिए मैं उनके बारे में आपको डीपली बताऊंगा। और दोस्तों, पूरी जानकारी मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो में, प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, एंड लास्ट में मैं आपको ड्रीम 11 की टीम बनाकर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर जहाँ पे स्विफ्ट ग्लैपोर्स वर्सेस फैलकॉन हंटर्स की टीमों का प्रयोग किया जाए तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही टीमें काफ़ी सारी चुनौतियों को पार करते हुए और अपना अच्छा प्रदर्शन करते हुए फाइनल में आपको खेलती नजर आएंगी। तो आपको बता दूं कि दोनों ही टीमें हैं जो फाइव फाइव मैचेस खेल चुकी हैं, जिसमें चार चार मैचेस जीतने में ये सफल रही हैं। तो जहाँ पर आपको काफ़ी सारे न्यू चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं दोनों ही टीमों में। तो दोस्तों, आपको बता दूँ कि जो ये मैच होगा आपको दांतों थले उंगलों में दबाने को मजबूर कर सकता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन होने वाला है। मैं आपको बता दूं, जो कि लास्ट मैच है जो स्विफ्ट ग्लैपर की टीम ने 6 रन से विन कर लिया था, जिसके चलते काफी हाई कॉन्फिडेंस के साथ ये टीम आपको खेलती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, अगर मैच डिटेल की बात की जाए तो मैच डिटेल्स कुछ इस तरह से रहेंगी। डेट एंड टाइमिंग की बात की जाए तो ये मैच दोस्तों मंडे 16 दिसंबर को खेला जाएगा, जिसकी टाइमिंग रहेगी वो 9:30 की रहेगी लोकेशन के हिसाब से। तो ये वेन्यू को मैं आपको बता दूं कि ये मैच दोहा में खेला जाएगा, जो कि ईस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आपको दोनों ही टीमें एक दूसरे के आमने सामने खेलती हुई नजर आएंगी। क्रिकेट की बात की जाए तो दोनों ही टीमें एक बार आमने सामने हो चुकी हैं, जिसमें कि स्विफ्ट की टीम ने फाल्कन की टीम को 6 रन से मात दे दी थी। तो दोस्तों, अगर लास्ट मैच की बात की जाए जो कि वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम दोहा में खेला गया था, वो 14 दिसंबर को खेला गया था पार्ल और वर्सेस हीट स्टॉर्म्स की टीमों के बीच में, जिसमें से पर्ल की टीम ने ये मैच 15 रन से अपने नाम कर लिया था। तो दोस्तों, अगर दोनों ही टीमों की टीम न्यूज़ की बात की जाए तो इस तरह से दोनों ही टीमें जो मैदान में उतरेंगी। तो जहाँ पर इंजरी की कोई भी अवेलेबिलिटी अभी तक नहीं है, अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है तो मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, और अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हो तो जरूर जुड़ जाइएगा। दोस्तों, अगर टीम कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो जहां पे आपको कमरान अकमल के साथ जहीर इब्राहिम ओपनिंग करते हुए नज़र आएंगे, तो जहां पे अली इमरान एंड रविंद्र पाल इनको फॉलो करेंगे एज ए सेकंड नंबर। तो जहां पे मोहम्मद इमरान, जैदुहीन और इनके अलावा मुगीस बजवा आपको बॉलिंग अटैक करते हुए नज़र आएंगे टीम स्विफ्ट ग्लोपर्स के लिए। दोस्तों, जहां पे प्रेडिक्टेड 11 की बात की जाए तो कौन कौन से खिलाड़ी आपको देखने को मिल सकते हैं प्लेइंग 11 में, उसकी कुछ लिस्ट इस तरह से रहेगी। तो जहां पे कमराना अकमल, उमर गुल, सुफियान महमूद, अली इमरान, रविंद्र पाल सिंह, जहीर इब्राहिम, इनके अलावा सादिक और जहुद्दीन, जनाब असद, इनके अलावा मुकीस बजवा और मोहम्मद इमरान आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं प्लेइंग 11 में। तो इसके अलावा दोस्तों, जो स्विफ्ट ग्लोपर्स की स्क्वाड है वो आप पॉज करके देख लीजिएगा, मैंने प्रेडिक्टिंग 11 के नीचे दे रखी है। तो फाल्कन हंटर्स टीम की न्यूज़ की बात की जाए तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है ये अबाउट इंजरी। तो टीम कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो सलमान वट एंड हाशमाला इस टीम के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। तो जहां पे इन्हें फॉलो करेंगे कमरान खान एंड मोहम्मद रिजालन, तो इनके अलावा अहमद वट, इकबाल हसन, साद बिन जाफर आपको बॉलिंग अटैक करते हुए नजर आएंगे। ये ऐसी बॉलिंग लाइनअप है फाल्कन की टीम के जो स्विफ्ट के बल्लेबाजों को चैलेंज में डाल सकती है। तो दोस्तों, जहाँ पे अगर लाइकली चेंजेस की बात की जाए तो कोई भी लाइकली चेंजेस इस टीम में अभी तक नहीं किया है। तो इनके जो प्रेडिक्टिंग 11 है कुछ इस तरह से रहेंगे, इनमें सलमान भट्ट, हाशिम अमला, साद बिन जाफर, वाशिक मसूद, इनके अलावा अहमद भट्ट, तैमूर साजिद, इकबाल हसन जो कि कैप्टेंसी करेंगे, और इनके अलावा मोहम्मद रिजालन जो कि विकेट कीपर रहेंगे इस टीम के, और कमरान खान, मुराद खान, खालिद बाशीद जी आपको खेलते नजर आएंगे टीम फैलकॉन के लिए। तो अगर आज के मैच के लिए फैंटेसी टॉप पिकअप्स की बात की जाए तो दोनों ही टीमों के जो तीन तीन प्लेयर मैंने निकाले हैं और आपका भाई आपको वेद रिकॉर्ड बताएगा। तो जहाँ पर अगर स्विफ्ट ग्लोपर्स की टीम की बात की जाए तो इनमें पहले नंबर पर जरीन इब्राहिम को मैंने रखा है अपने टॉप पिकअप्स में, जिन्होंने 111 रन बनाए हैं लगभग 22 की एवरेज के साथ, और 5 T10 इनिंग्स खेलने में अभी तक सफल रहे हैं। तो जहां पे कमरान अकमल की बात की जाए तो 110 रन बना चुके हैं 22 की एवरेज के साथ, और इन्हें 5 इनिंग्स में मौका मिला है खेलने का। तो दोनों ही प्लेयर बेस्ट ऑप्शन रहेंगी, चाहे आप ग्रैंड लीग खेलो या स्मॉल लीग। तो इनके अलावा जहाँ पे एज ए बॉलर मुगीस बाजवा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी, 8 विकेट ले चुके हैं और 5 T20 इनिंग खेलने का मौका इन्हें मिला है। तो एवरेज आपको बता दूँ कि ये आपको हर मैच में 1 या 2 विकेट दबाने में सफल रहेंगे। तो
इनके अलावा जो प्लेयर आपको नहीं लगाने उनमें सादिक एनएम और सूफिया महमूद का नाम आता है, तो मैं चाहूँगा कि इन्हें आप, ऐसा नहीं है कि किसी भी टीम में मत ले गए, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं खिलाती कोई भी टीम जिस जो कि खराब प्रदर्शन करे, तो ये कभी भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इन्हें आप अगर सिक्स टीम बनाते हैं तो एक या दो टीमों में ही मौका दीजिएगा, अगर एक टीम बनाते हैं तो इन्हें बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा, चाहे वो ग्रैंड लीग हो या स्मॉल लीग। तो जहाँ पे फैल्कन हंटर्स की बात की जाए तो इनमें मोहम्मद रिजल जो कि 131 रन बना चुके हैं 44 की लगभग एवरेज के साथ, इन्हें 4 इनिंग्स खेलने का मौका मिला है T10 में। तो दोस्तों T10 में ये काफ़ी बड़ा स्कोर अभी तक मोहम्मद रिजल बना चुके हैं। तो इनके अलावा सेकेंड नंबर पर सलमान बट आते हैं जो कि काफ़ी सारे मैच फाल्कन की टीम को जिताने में सफल रहे हैं, तो इन्हें आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा टीमों में मौका दीजिएगा। अगर इनकी बात की जाए तो तीसरे नंबर पे अहमद बट आते हैं जो कि एज ए बॉलर 5 ब्रेक्स लेने में सफल रहे हैं 5.25 की इकोनॉमी से, मतलब इन्होंने कम स्कोर दे के ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं और 3 इनिंग खेल में सफल हुए हैं। तो फाल्कन की टीम में मैं चाहूँगा कि आप तमू साजिद को अवॉइड कीजिएगा, अगर आप कम टीमें बनाते हो, मीन्स अगर ज़्यादा बनाते हो तो एक दो टीमों में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आज के मैच के लिए मेरी बनाई हुई टीम की बात की जाए तो मैंने जहाँ पे एक टीम बना रखी है, बट जो फाइनल टीम है वो आपको टॉस से पहले ही मैं संभव हो सकता है देना। तो दोस्तों जहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर आपने मुझे टेलीग्राम पे नहीं फॉलो किया तो वहाँ पे कर ले, मैं आपको फाइनल टीम दे दूँगा टॉस के बाद, बिकॉज दोनों ही टीमें कई बार बड़े चेंजेस कर देती हैं जिसके चलते आप लॉस में जा सकते हो। और प्लीज़ मेरी टीम को कॉपी भी मत कीजिएगा, कॉपी करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा आपके लिए, आप आइडिया लेकर अपने हिसाब से टीम बनाइएगा वो बेटर रहेगा। तो दोस्तों जहाँ पे विकेट कीपिंग की बात की जाए तो जहाँ पे मैंने 2 विकेट कीपर चूज किए जिनमें एम रिजलन और के अकमल का नाम आता है, और एज ए बैट्समैन जहाँ पे मैंने बट को लिया है, इनके अलावा अली इमरान और जहाँ पे इब्राहिम को मौका दिया है, 3 बैट्समैन जहाँ पे चूज किए हैं जिनके साथ देंगे, 3 ही ऑलराउंडर जहाँ पे रखे हैं आमिर बट, रविंद्र पाल सिंह और जहाँ पे जेड ओदिन को मैंने मौका दिया है। तो बॉलर्स की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे मैंने मकसूद इकबाल हसन और एम बाजवा को मौका दिया है। तो दोस्तों आप ज़्यादा बॉलर मत चूज कीजिएगा, बिकॉज कई बार ऐसा होता है T10 में ज़्यादा बैटिंग नहीं गिरती जिसके चलते बॉलर्स को कम मौके मिलते हैं खेलने के। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात की जाए तो जहाँ पे जरीन इब्राहिम और इनके साथ मोहम्मद रिजनल को आप कैप्टनसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके दीजिएगा, और वाइस कैप्टन के लिए जहाँ पे कमरान अकमल एक अच्छी ऑप्शन रह सकती है अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो, तो इससे उल्टा भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा एक टीम में, मीन्स कमराना को आप कैप्टन रख लीजिएगा और जहर इमरान और इब्राहिम और मोहम्मद रिजवान से किसी को वाइस कैप्टन बनाकर देख लीजिएगा। तो जहाँ पे अगर बात की जाए आज के मैच की तो जहाँ पे मेरी स्विफ्ट ग्लोपर्स की जो टीम है वो फेवरेट टीम रह गई, होप जिम टीम विन भी करेगी। तो दोस्तों ये थी मेरी बनाई हुई टीम, तो आपको बता दूं कि आप प्लीज़ कॉपी मत कीजिएगा, करते हैं तो आप इसे ग्रैंड लीग के लिए ही लगाइएगा। तो बाकी दोस्तों आपको बता चुका हूँ जो सभी चीज़ें थी हमने स्टेप बाई स्टेप जान ली हैं, तो आपको बता दूं कि जो टीम मैं आपको देता हूँ मैं खुद भी वही लगाता हूँ, हारेंगे साथ में जीतेंगे साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।